गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज ट्यूसडे। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में हमने अभी तक अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, ओके। अल्फ़ाबेट्स कैपिटल एंड स्मॉल कंप्लीट कर दिया हमने। उसके हमने एक्सरसाइज भी की थी, आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर, मैन द लेटर, वो भी कंप्लीट हो गई है। आज हम नया टॉपिक लेंगे, अपोजिट्स। क्या लेंगे? अपोजिट्स। OPPOSITES अपोजिट्स, ओके। हम क्या लेंगे? अपोजिट्स। अपोजिट्स का मतलब होता है एक दूसरे के विरुद्धार्थी, एक दूसरे के अपोजिट, अंतर। जैसे मैं कहेंगे ही इज ए फैट बॉय, वो मोटा लड़का है, और एक पतला सा जा रहा होगा तो हम कहेंगे ही इज ए थिन बॉय, वो पतला लड़का है। तो मोटा, पतला, छोटा, लंबा, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट। उसके जो भी चीज़ होती है, उसकी जो अगेंस्ट होती है, उसकी जो विरुद्ध होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं बिग एंड स्मॉल। बिग, बी आई जी, बिग, स्मॉल, बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल, बिग यानी बड़ा, इसलिए बड़ा बॉल है, ओके, और स्मॉल यानी छोटा। समझ आ गया? बिग का अपोजिट क्या हो गया? स्मॉल। बिग का अपोजिट स्मॉल, ओके। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ओके। फिर क्या कहा है? बिग स्मॉल हो गया है, उसके बाद आता है थिन और गुड और बैड। गुड यानी अच्छा, जैसे आप बोलते हैं गुड बॉय, कि जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, टाइम पे स्कूल आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ही इज ए गुड बॉय। क्या बोलते हैं? ही इज ए गुड बॉय। तो गुड का बोल, और जो बच्चे होमवर्क नहीं लेके आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ही इज ए बैड बॉय। क्या बोलते हैं? ही इज ए बैड बॉय। तो गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैड। गुड का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैड। गुड का अपोजिट बैड, ओके। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए बैड बॉय। जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, अपना टीचर्स की बात को सुनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गुड। और जो टीचर्स की बात को नहीं सुनते उनको हम क्या बोलते हैं? बैड, ओके। तो गुड का अपोजिट क्या हो गया? बैड। गुड का अपोजिट क्या हो गया? बैड, ओके। और थिन यानी पतला, थिन यानी पतला, तो थिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैट, टी एच आई एन, थिन। थिन यानी पतला, और फैट यानी मोटा, फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला। पतला पतले होते हैं ना, उनको हम कहते हैं शी इज ए थिन गर्ल, पतली सी लड़की है, और शी इज ए फैट गर्ल, तो वो मोटी लड़की है। तो थिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैट। थिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैट। थिन का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैट, ओके। फिर आता है हॉट एंड कोल्ड। हॉट यानी गरम गरम चाय या गरम गरम पानी पीते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट। गरम गरम पानी पीते हैं या गरम गरम चाय पीते हैं, गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं या गरम गरम खाना खाते हैं, तो दिस इज अ हॉट टी। बहुत गर्म चाय है यह, बहुत गर्म चाय है, तो दिस इज अ हॉट टी। तो दिस इज अ हॉट कॉफ़ी, ओके, ये बहुत गर्म कॉफ़ी है। तो हॉट यानी गर्म, हॉट यानी गर्म। उसका अपोजिट क्या होगा? कोल्ड, ठंडा। उसका अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा। हॉट का अपोजिट कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा, कोल्ड मीन्स ठंडा, हॉट का अपोजिट कोल्ड, ओके। फर्स्ट इज,
बिग, बिग यानी बड़ा, बिग का अपोजिट, बिग का अपोजिट स्मॉल, बिग का अपोजिट हमने क्या किया स्मॉल, ओके, बिग का अपोजिट स्मॉल किया। नंबर पे गुड का अपोजिट, गुड का अपोजिट बैड, गुड का अपोजिट क्या किया बैड, गुड का अपोजिट बैड, गुड का अपोजिट बैड। थ्री नंबर पे गुड का अपोजिट बैड। Night.
और अगर हमारे पास कोई चीज़ खड़ी है, कार खड़ी है, तो कार नियर ऑफ मी, मेरे पास कार खड़ी है, पास में खड़ी है, तो उसको नियर करें। अगर वो बस बहुत दूर है तो बस फार अवे टू मी, मुझसे बहुत दूरी पे, तो नियर यानी पास में, नियर यानी पास में, और फार यानी दूर, फार यानी दूर, फार यानी दूर, नियर यानी पास में और फार यानी दूर। उसके बाद आता है जो जब यंग होते हैं उनका हम क्या बोलते हैं, यंग, यंग बॉय, और जो बूढ़े हो जाते हैं जैसे बाद आदि वगैरह है तो उनको हम क्या कहते हैं, ओल्ड। तो यंग का अपोजिट ओल्ड, यंग का अपोजिट ओल्ड, यंग का अपोजिट ओल्ड। उसके बाद आता है अगर ब्रिज के नीचे कुछ चीज जा रही है तो अंडर द टेबल, अंडर द कैट जो होती है वो टेबल के नीचे चली जाती है तो हम कहते हैं कैट अंडर द टेबल, और उसके ऊपर चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, कैट ओवर द टेबल, ठीक है ना। तो अंडर का अपोजिट ओवर, अंडर और ओवर। 13 नंबर पे कहेगा अंडर, और अंडर का अपोजिट ओवर। ओके, ओवर, समझ आ रहा है। लास्ट 14 कर लेते हैं। 14 में कैसा है, मोर एंड लेस। जब ग्लास पूरा पानी का भरा हो या फिर दूध का पानी भरा हो तो मोर देन वाटर, मोर देन कैसे बोलते हैं ना, और थोड़ा है तो कहते हैं लेस देन वाटर, लेस देन, तो बहुत ज़्यादा होगा उसको मोर कहेंगे और कम होगा तो उसको लेस कहेंगे। ये 14 है जिनको हमको लर्न बाय हार्ट करना है, ये 14 अपोजिट्स लिखवाए हैं मैंने जिनको हमको लर्न बाय हार्ट करना है। ओके,
गया उसके विरुद्ध, अपोजिट यानी उसके विरुद्ध कौन सा करना है हमको। तो बिग का अपोजिट क्या होता है स्मॉल, बिग का अपोजिट स्मॉल, बिग यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा, उसका अपोजिट स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल यानी छोटा। गुड का अपोजिट बैड, गुड का अपोजिट बैड, थिन का अपोजिट फैट, थिन यानी पतला, फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला, फैट यानी मोटा। हॉट का अपोजिट कोल्ड, हॉट यानी गर्म, हॉट यानी गर्म, और उसका अपोजिट क्या हुआ कोल्ड, उसका अपोजिट क्या हुआ कोल्ड। लाफ का अपोजिट क्राई, लाफ का अपोजिट क्राई, लाफ का अपोजिट क्राई, लाफ का अपोजिट क्राई। शॉर्ट का अपोजिट टॉल, शॉर्ट का अपोजिट टॉल। डर्टी का अपोजिट क्लीन, डर्टी यानी गंदा, डर्टी यानी गंदा, उसका अपोजिट क्लीन। आउट यानी बाहर, आउट यानी बाहर, और इन यानी अंदर, इन यानी अंदर। अप डाउन, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप यानी ऊपर, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप डाउन, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। डे यानी दिन, डे यानी दिन, और नाइट यानी रात, नाइट यानी रात। नियर यानी पास में, फार यानी दूर, फार यानी दूर। यंग यानी जवान, यंग को क्या कहेंगे जवान। ओल्ड यानी बुढ़ा, ठीक है, और अंडर ओवर भी होता है, मोर लेस भी होता है, और यंग और ओल्ड में क्या होता है ओल्ड यानी पुराना भी होती है। जैसे ये ओल्ड बुक है तो पुरानी किताब है, और न्यू बुक है तो ये नई किताब है। तो यहाँ पे दो अपोजिट्स बनते हैं, यंग यानी जवान, ओल्ड यानी बुढ़ा, और दूसरा न्यू यानी नया, और ओल्ड यानी पुराना, ऐसा भी बन सकता है। ओके, अंडर यानी नीचे, नीचे कोई भी चीज़ जा रही है उसको कहते हैं अंडर द ब्रिज, अंडर द टेबल। ओके, और ऊपर जो भी चली जा रही है तो उसको कहेंगे ओवर द एरोप्लेन, ओवर फ्लाइंग। Stay healthy.